हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों को राउंड फेस पे आप कैसे कट करें सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरी क्लाइंट के जो हेयर की लेंथ है वो अच्छी है, बट इनको थोड़ा शॉर्ट करवाने हैं अपने हेयर, तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसे क्या करके देना है। मैं इनके हेयर पे करने वाली हूँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेयर कट, और इनको लेयर कट का ही लुक चाहिए था। तो जैसे लेयर कट अलग अलग तरीके से होता है, मैंने कई तरीके का प्रोसेस बता रखा हुआ है। आप कोई भी कटिंग करें, चाहे स्टेप्स हो, लेज़र, लेयर, फैदर, कोई भी कट करें, लेकिन हमेशा जब आप ऐसा गोल फेस पे कटिंग करने के लिए सोचें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत शॉर्ट जो है सामने से स्टार्ट मत करें करना, थोड़ा सा नीचे से देना स्टार्ट करें, ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या रहेगा कि जो नेक है वो थोड़ा सा ओपन दिखेगा। तो यहाँ पर सेंटर पार्ट से पहले हेयर को लेना है, ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड कर लेंगे और इसको सामने की तरफ ऐसा लाने के बाद में देखिए कैसे करेंगे, हम मेजरमेंट कर लेंगे कि कितना लंबा और कितना छोटा रखना है। तो इसको मैं चिन से नीचे लाके और इसको ट्विस्ट करते हुए इक्वल कट कर रही हूँ। ट्विस्ट करके अगर आप कट करते हो ना तो बहुत प्यारा इसमें जो है लेयर्स दिखाई देते हैं, जो कि शॉर्ट छोटे से लेके ऐसा बड़े में चेंज होते ऐसा बढ़ते हुए उसमें दिखता है स्टेप्स में। एक बार फिर से मैं रीचेक कर ले रही हूँ, फिर से इसको हम ट्रिम कर देंगे इक्वली और ये हमारा गाइडलाइन रेडी हो चुका है। इसको हम टू पार्ट्स में ऐसा डिवाइड करेंगे। अब देखिए, मैं इसलिए बोल रही थी कि आप बहुत ज़्यादा छोटा करके कट ना करें, क्या बहुत छोटे छोटे से आप स्टार्ट कर दोगे ना तो नेक के पास से ही बहुत हैवी लुक दिखेगा। तो हमें क्या करना है, क्योंकि नेक इनका आप देख सकते हैं हेल्थ की वजह से काफ़ी ऐसा शॉर्ट लग रहा है, तो स्टेप्स हम थोड़ा सा मीडियम या शोल्डर के पास से देना स्टार्ट करेंगे ना तो नेक एरिया थोड़ा ओपन दिखेगा। बाकी फेस लुक को हम साइड बैंग से चेंज करेंगे। साइड वाले हेयर को देखिए इस तरीके से ग्रिप करना है और मीडियम हाइट पर रखना, ना बहुत एकदम सामने ना बहुत नीचे। तिरछा कट कर दी हूँ, एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे। लेयर कट का प्लस पॉइंट ये होता है कि आप जितना चाहें बालों की लेंथ को मेंटेन रख सकते हैं तिरछा कट करके, क्योंकि इसमें लेंथ शॉर्ट नहीं होती है। जैसे किसी का फेस कट बहुत पतला होता है, एकदम स्लिम टाइप का लंबा फेस होता है ना, तो उस पर आप क्या करें शॉर्ट लुक में कट करके दें, मतलब थोड़ा ऊपर से लेयर डालना स्टार्ट करोगे ना तो जो है नेक एरिया के पास से घना घना सा दिखेगा, मतलब चिन से लेके नेक तक घना घना सा स्टेप्स आएगा, तो वो फेस लुक को भी थोड़ा सा भरा भरा सा दिखाता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन जब किसी का फेस काफ़ी चबी हो, मतलब ऐसा बहुत हेल्दी टाइप का हो और एकदम गोल फेस हो, तो आप ये वाला कट करके दे सकते हैं। तो ये देखिए एक साइड का कंप्लीट हो गया, इसको मैं क्लच कर दे रही हूँ, दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। प्रोसेस वाइज बहुत सिंपल है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करना है। कान के पीछे से सेक्शन डिवाइड की हूँ, इस तरीके से ग्रिप करेंगे कोम करते हुए। और मेरे पार्लर का मेकओवर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है और बहुत ही जल्दी फुल पार्लर टूर भी करवाऊंगी, अभी कुछ कुछ और काम बाकी हैं वो कंप्लीट होने के बाद में दिखाऊंगी। इसको देखिए एक बार फिर से रीचेक कर रही हूँ, तिरछा कट करेंगे और इसमें पता है बहुत ही अच्छा जो है लुक क्रिएट होते चला जाता है, काफ़ी अच्छे जो है लेयर्स ऐड होते चले जाते हैं, अनलिमिटेड हैवी लुक आ जाता है कटिंग में। तो थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि थिकनेस वाइज भी इनके हेयर अच्छे हैं। नीचे हेयर काफ़ी पतला हो गया है, जितना बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया उसको मैं कट कर रही हूँ और जितना ये बोली इनके हिसाब से मैं कट करके दे रही हूँ इनको। लास्ट वाली लेयर को ऐसा सामने की तरफ लाएंगे, फिंगर के बीच में अच्छे से ग्रिप करेंगे और इसको तिरछा मत कट करके बराबर कट कर दें, ताकि पीछे जब आप हेयर को लेके जाएं तो वो
इक्वल शेप में ऐसा लगे। अगर आप एकदम तिरछा कट कर दोगे तो नीचे जाके एकदम वी शेप में दिखेगा, तो हेयर वैसे बहुत पतला सा लगेगा, इसलिए उसको बराबर कट करें। लास्ट में पूरे हेयर को एक साथ इस तरीके से हम ग्रिप करेंगे और इसकी हम कर देंगे मिक्सिंग। और न्यू ईयर आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं ज़रूर बताइएगा, और मैं तो बस काम में ही बिजी हूँ अभी तक। और इस तरीके से कर देंगे इसको हम ट्रिम, दोनों तरफ कर लेंगे। मैं एक तरफ का दिखा रही हूँ, दूसरी तरफ का मैं सेम ऐसे ही कर दूंगी। जिगजैग करने से क्या होता है कि जो लेयर्स का लुक है वो बहुत ही प्यारा आता है, मतलब एक जैसे सीढ़ी नुमा लुक होता है ना उस तरीके से, और वेट भी कम हो जाने की वजह से ना हेयर काफ़ी फ्री से दिखते हैं। तो ये हमारा दोनों तरफ का कट कंप्लीट हो गया। उसके बाद साइड बैंग्स कट करेंगे, तो इसको कैसे कट करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बीचों बीच से हेयर को लेना है। अब ये छोटा बड़ा रखना क्लाइंट की अपनी पसंद होती है, एक बार डिस्कस कर लें। तो इसको भी सेम ऐसे ट्विस्ट करते हुए कट करेंगे, और इसको मैं जिग जैक नुमा कट कर रही हूँ डायरेक्ट। जब भी फ्रंट का आप कटिंग करें, ये वाला खास करके साइड बैंक, तो उसको आप अच्छे से नोचिंग कर दें, ताकि नीचे के हेयर का जो वेट है वो कम हो जाए। वेट कम हो जाएगा ना तो वो बहुत अच्छे से सामने की तरफ रहेगा, फ्लैट नहीं दिखेगा, वहाँ पे बाउंस रहेगा। और अगर आप नहीं करते हो तो हेयर वजन होने की वजह से ना वो ऐसा चिपक जाता है। उसके बाद में हम कर देंगे वन लेंथ। तो देखिए पीछे से अभी इनके हेयर की लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो नीचे नीचे का मैं ट्रिम करने वाली हूँ। सेंटर पार्ट्स को बराबर कट करेंगे और साइड वाले को तिरछा। इस तरीके से कट कर देना है। और आज मैं आप लोगों को विदाउट ब्लो ड्राई हेयर कटिंग का लुक दिखाने वाली हूँ। मैं इसमें कोई सेटिंग वेटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ आपको अच्छे से कोम करके दिखाऊंगी, ताकि आप समझ सकें कि कटिंग का फाइनल लुक कितना प्यारा निकल के आया। अगर आप ब्लो ड्राई करते हो तो हेयर कट का जो लुक है वो और भी ज़्यादा ऑसम दिखता है। तो यहाँ पे कट हो गया है कंप्लीट। तो मैं इनके हेयर पे कोई ब्लो ड्राई नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ सीरम लगा के अच्छे से हेयर को कोम कर दूंगी। और कोम करना है हमें राउंडर ब्रश की हेल्प से। देखिए इन कर्ल्स तो हो जाएगा, लेकिन आउट कर्ल्स बिना ड्रायर यूज़ करे नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको इनका लुक जो है कोम करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए सीरम यूज़ करोगे, उसके बाद अच्छे से कोम कर दोगे तो हेयर अच्छा स्ट्रेट एंड सिल्की दिखने लगता है। और ये देखिए मैं कई बार रिपीट कर करके कर रही हूँ। कटिंग कोई भी हो, सेटिंग आप अपने हिसाब से करके दे सकते हैं। अगर किसी को आउट कर्ल्स चाहिए तो आपको ड्रायर यूज़ करके उसको आउट कर्ल्स करके देना होगा, और अगर इन कर्ल्स चाहिए तो इस तरीके से आप ब्रश की हेल्प से उसको सेट कर देंगे। कैसा लग रहा है इनका फाइनल लुक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए इनके फेस पे ये कट बहुत शूट कर रहा है। तो ये तो फ्रंट लुक है, चलिए बैक साइड का भी आपको दिखा देती हूँ। कोम करके अच्छे से फाइनल लुक दिखा रही हूँ, ताकि एग्जैक्ट लुक कैसा निकल के आया वो आप लोगों को समझ में आ सके। यही जो अभी मैं कटिंग की, उस पर अगर मैं ब्लो ड्राई कर देती तो हेयर का जो लुक है वो और एकदम एक्स्ट्रा बाउंसी दिखता। मैं लेकिन सेटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे इनके बालों पे हेयर स्पा भी करना था। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कोम करके कटिंग का लुक दिखा रही हूँ। बाकी अगर आपको ब्लो ड्राई सीखना है कि कैसे क्या करना रहता है, तो ब्लो ड्राई के लिए मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर रखी हुई सेल्फ में, और क्लाइंट के ऊपर दूसरों का कैसे करके देना होता है बहुत अलग अलग तरीके से मैंने बताया हुआ है। तो देखिए इनके पूरे बालों पे बहुत अच्छे से जो है लेयर्स ऐड हो चुके हैं, और लेंथ भी इनके इनके हिसाब से मेंटेन है। आई होप कि सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर कल मिलती हूँ आप सबसे एक और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, और आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। बाय गाइज।